नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज दरअसल एक चमत्कार हो गया है। वैसे चमत्कार से कहा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरह का आजकल माहौल हो रहा था उस हिसाब से चमत्कार ही हो गया है। कि जैसे कि मौसम वाले ने आज सुबह 7 बजे से बारिश बताई थी, 6-7 बजे के आसपास से बारिश, मतलब कि 100% चांस बताए थे, और बारिश हो भी गई है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। मतलब कि अभी बारिश हो रही है 7 बजे के आसपास से, और जैसे कि बहुत दिनों से हो रहा था, पिछले बहुत दिनों से, कि 10-20-40% 60% 80%, यहाँ तक कि 96% और 98% तक जो उन्हें संभावना बताई उसमें बारिश नहीं हुई। 100 वाले में भी नहीं हो रही थी, लेकिन आज बारिश हो रही है। तो इस बार मौसम वाले सही साबित हो गए। वैसे खैर उनकी मतलब वार्निंग देने का काम उनका और संभावना ही हुई हो तो जरूरी नहीं है बारिश हो जाए वैसे, लेकिन आज उनकी जो संभावना है वो पूरी तरह से साबित हुई है। और इस वक्त अभी हल्की हल्की हो रही है, एक बार थोड़ा तेज आई और अभी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल रही है। कम से कम आंगन के पाथर और वो छत यानी पाख के पाथर तो भीग गए हैं। अभी खेतों के लिए वैसे ज़्यादा कुछ इतनी बारिश नहीं होगी, खेतों को भी थोड़ा सा दिन में मिल जाए। अभी खाली ऊपर ही ऊपर हुई है, लेकिन फर्स्ट क्लास। ये देखिए आप, लेकिन अभी कितना सुंदर हो गया है देखिए आप बारिश से असर। तो अभी हो चुके हैं दोपहर, और इस वक्त क्या हुआ है कि जो बारिश होना शुरू हुई थी वो थोड़ी सी बूंदाबांदी के बाद रुक गई है। मैंने सोचा था कि आज ये मिर्च वगैरह में पानी नहीं डालना पड़ेगा, और साथ ही जो हमारे कुछ मेहमान आते हैं, बंदर वगैरह, सुअर इत्यादि, उनके लिए खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत खीरे वगैरह के बेल वगैरह लगाएंगे। लेकिन बारिश कितनी हुई है, अगर आप ऐसे कहीं पर थोड़ा सा मिट्टी हटाएं, ये इतनी सी बारिश हुई है, मतलब बिल्कुल बारिश नहीं हुई आज। होने को 2-3 घंटे रही हो, लेकिन इससे जो सामने की धारें हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं आज। कल तक थोड़ा सा धुंध जैसी, धुआं जैसा हो रखा था। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और जूम करूँ मैं तो मुझे एवरेस्ट और शायद कहीं अमेरिका वगैरह ना दिख जाए, लेकिन कोई नहीं, अभी मौसम ने शाम का अलर्ट दे रखा है तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या पता उस वाले अलर्ट में बारिश हो जाए। पता नहीं, मेरे थोड़ी देर पहले क्यों मजाक का असर हुआ, क्या हुआ कि देखो वास्तव में विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी, मतलब इतना साफ हो गया है, क्या हिमालय दिखने लग गया है। बहुत दिनों बाद दिख रहा है, नहीं तो वैसे आजकल ये धुंधे से हो जाती है गर्मी में, तो उससे फिर दिखता नहीं है। जैसे जंगलों में आग वाग लगती है, इधर सब जंगल हैं तो आग कैसे धुंध जाती है बहुत, तो फिर दिखता नहीं है हिमालय। हिमालय क्या, जैसे आप ये चोटी तक देखेगा वो पीछे वाली चोटी नहीं दिखती है, लेकिन आज देखिए लगभग बहुत सारी चोटियाँ यहीं से दिख रही हैं। ये शिवानी दिखा रही है हिमालय, शिवानी हिमालय दिखाओ, इधर को इशारा करो। ओ, शिवानी अभी खेल रही है गेम। शिवानी भर रही है यहाँ पर इन मछलियों में रंग। शिवानी के पापा भर रहे हैं यहाँ पौधों और क्यारियों में रंग। अब यहाँ पर फिर ये लगाएंगे फूल, हमारा बेंद्र मंदिर है यहाँ पर, इन्हें फूलों की तैयारियाँ कर दी आज। क्यारी इनमें फूल आएंगे, और बांस के पेड़ इतने अच्छे हो गए हैं जो पिछली बार लगाए थे, पिछली बार। ये भी और आसमान का दृश्य हो रहा है बहुत बढ़िया। आरती लगी है अपने बकरी के साथ खेल, होता खाओ फटाफट बैमा तो ठुलठुल में फिर शिकार कौन हुआ आरती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये इसकी मम्मी है और पीछे वो बकरी है, और ये ताऊ जी हमारे। Yeah, see, see, yeah, ah, ah.
आप हाथ ना देखो। नहीं, मैं दांत में लाके आ रहा हूँ। अच्छा, ननद जमाई का गिफ्ट भैया भाभी को। ये हमारे जमाई जी की तरफ से है। अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। राधा कह रही है कि मैं यहाँ से गिफ्ट सब देख के ही जाऊंगी, तो इसने अभी से खोलना शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या क्या मिला है। ये मेरी भाभी के लिए खूबसूरत सी साड़ी। एक ही किसी मोहित ने दिया है ग्राइंडर, मतलब मोहित ब्रांड का है। मोहित ने, मोहित दिखा देखो। ये दोनों इतने उससे इसलिए क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जो अच्छा अगर कुछ ज्यादा अच्छा होगा। कृष्ण जी हैं। अच्छा, वो मिली है। इधर घुमा इसको, देख लो, बस हो गया, उसी में पैक कर दो। वाह, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जय कन्हैया ना।